नमस्ते, टेस्टी सफर में आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्रीयन लोगों का साल का पहला त्योहार होता है गुड़ी पड़वा। उस दिन घरों में गुड़ी लगाई जाती है, एक दूसरे को बधाइयां देते हैं और घर में मेन्यू होता है श्रीखंड पूरी का। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ श्रीखंड पूरी। श्रीखंड की शुरुआत होती है चक्के से, तो मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि चक्का कैसा बनाया जाता है। मैं यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर थोड़ा सा दही लेके आपको बताने वाली हूँ कि चक्का कैसा बनता है। यहाँ मैंने एक छन्नी ली है, आप एक मलमल का कपड़ा भी ले सकते हैं। इसमें दही डालना है। इस दही को 12 घंटे तक ऐसा ही रखना है ताकि उसमें जो एक्स्ट्रा वाटर है वो निकल जाएगा, जिससे दही गाढ़ा बन जाएगा और हमें चक्का मिल जाएगा। देखो यहाँ ऑलरेडी पानी ड्रिप होना चालू हो गया है। तो आपको समझ आया ना कि चक्का कैसा बनाना है। तो यहाँ मैंने ऑलरेडी चक्का बना के लिया है, ये ले लेते हैं। एक बड़ा बॉल लिया है जिसे हमें मिक्स करने में आसान रहेगा। मैंने यहाँ 800 ग्राम दही का चक्का बना लिया है। स्पैचुला की मदद से मैं इसे पहले मिक्स कर लेती हूँ। अब इसमें जाएगी पीसी हुई चीनी, कम से कम 300 ग्राम। मिठास आपके ऊपर है, कुछ लोगों को ज्यादा मीठा पसंद है और कुछ लोगों को कम। अब इसे अच्छी तरह से यानी कि प्यार से मिक्स करना है। चक्का और चीनी अच्छे से मिक्स होना चाहिए। अगर मेहनत कम करनी हो तो हैंड ब्लेंडर यूज कर सकते हैं, लेकिन चलो थोड़ा कार्डियो तो हो गया। अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे आधा टीस्पून इलायची पाउडर, इससे स्वाद अच्छा आता है। अब लेंगे बारीक कटा हुआ बादाम, अंदाजन 1 टेबलस्पून, इसे मिक्स करना है। मिक्स हो चुका है, श्रीखंड तैयार है। अब इसके साथ खाने के लिए बनाते हैं गर्मा गर्म पूरियां। यहां मैंने 200 ग्राम गेहूं का आटा लिया है, बड़े थाली में लिया है, इसे हम मराठी में पराग कहते हैं। अब लेंगे 2 टेबलस्पून सूजी, नमक 1/2 टीस्पून, थोड़ा सा तेल लेना है। और अब इसे पहले मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से, ताकि गेहूं का आटा और सूजी मिक्स हो जाए। ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा गूंद लेते हैं। आप पूछोगे कि ताई इसमें कितना पानी डाला है, लेकिन ये जैसे जैसे करते जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना पानी है। तो इसे एक साथ नहीं डालना है, बारी बारी डालना है। क्या है कि आटा गूंदना एक अंदाज का खेल है, जैसे जैसे आप बनाते जाएंगे आपको अच्छी तरह से आ जाएगा। साइड में जो सूखा आटा है वो भी एक साथ ले लेना है और अच्छी तरह से इसे गूंद लेना है, उसका अच्छी तरह से डो बनाना है। अब इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा ऑयल, जिससे डो अच्छी तरह से सॉफ्ट बन जाएगा। चपाती के डो से इसे थोड़ा सा सख्त बनाना है। इस तरह से हमने आटा गूंद लिया है और इसे अभी हम 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। 15 मिनट हो चुके हैं, अब हमें पूरियां बेलनी है। तो अब हम क्या करते हैं, छोटे छोटे गोले बना लेते हैं। मैंने यहाँ ऑलरेडी तेल गरम करने के लिए रखा है, इसे अच्छी तरह से गूंद लेना है। और अब मैं इसका पहला रोल बनाऊंगी और बाद में छोटे छोटे गोले बनेंगे। इस तरह से मैं सारे गोले बना लेती हूँ। अभी मैं 7-8 पूरियां ही बना रही हूँ, बाकी के मैं बाद में बनाने वाली हूँ। चकले पे हम थोड़ा तेल लगा लेते हैं और बेलन से बेल लेते हैं। छोटी छोटी ही पूरियां बनानी है। अभी एक एक बना के मैं बाजू में रख दूंगी। थोड़ी सी पूरी मोटी होनी चाहिए ताकि वो अच्छे से फूल जाए। मेरी पूरियां बेल के हो चुकी हैं
और तेल भी गर्म हो चुका है, अब हम फ्राई कर लेते हैं। इससे आइस का छोड़ना है और तेल ऐसा पूरी के ऊपर डाल देना है थोड़ा थोड़ा। इसी तरह से सारी पूरियां तल लेते हैं। देखो कैसे अच्छी तरह से फूल गई है। पूरी और श्रीखंड, मेरी राइटर लिख रही है साइन ऑफ लाइन की ताई क्या बोलना है, कौन वहां पे ध्यान देता है। पूरी श्रीखंड यानी मेरा फेवरेट। और सब्सक्राइब कीजिए टेस्टी सफर को। वाह क्या अच्छा बनाए, आप भी बनाइए, आस्वाद लीजिए। हैप्पी गुड़ी पड़वा।